सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और टेक्निकल किरण यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से ले आए एक नई वीडियो, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सोल्डरिंग आयरन लिए हैं अपनी, और इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इसके जो वायर्स हैं ये अंदर से ही शॉर्ट हो गई है और अंदर से ही एक जल भी गया है। और दूसरी तरफ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाहर से दिखने से इसका वायर्स लग रहा है बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आप जब इसके अंदर खोल के देखोगे ना, इसको बिल्कुल कंपनी एक बिल्कुल बेकार क्वालिटी का एक वायर्स अंदर दे देती है और चला देती है मार्केट में। तो आज इसी वायर्स को हम चेंज करेंगे और इसमें एक हेवी और अच्छा वायर्स लगाएगी जो बहुत दिन का टिकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस सोल्डर आयरन की दोनों तरफ नट लगी हुई है, तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से या फिर आप टेस्टर की सहायता से भी खोल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप घर की जो कैंची होती है बड़ी बड़ी उससे भी आप खोल सकते हैं, बहुत आसानी से खुल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा खुल गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर पहले से सोलो टेप लगा हुई है, क्योंकि मैं इसको पहले भी एक बार रिपेयर कर चुका था क्योंकि खराब हो चुकी थी अंदर से, इसके रजिस्टर जल गल गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि आप जो चीज़ घर में बना सकते हैं या फिर घर में कर सकते हैं, वो चीज़ हम बाहर से क्यों डबल दाम में महंगे दाम में किने। तो मैं इसलिए घर में सब कुछ बना कर चेष्टा करता हूँ कि मैं घर में कर सकूँ और पैसा बचा सकूँ। फिर इससे जो दोनों वायर्स जहाँ पर कनेक्ट थी सोल्डिंग आयरन के सामने पर तरफ से, उसको खोल लेनी है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों वायर्स जो कनेक्ट थे उसको काट लिया, अलग कर लिए हैं, और यहाँ पर ही हमको जहाँ पर कोई भी सिंपल बात है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको दूसरा वायर्स लेना है, पहले जहाँ पर आपको वायर्स कनेक्ट है वहाँ पर ही आपको सिर्फ लगा देनी है और कोई बात नहीं। एक वायर्स आपको देख सकते हैं रजिस्टर है, डायोड है, एक डायोड के ऊपर लगानी है, और जो एलईडी लाइट देख रहे हैं उसमें रजिस्टर लगा हुई है, और रजिस्टर के नीचे की तरफ लगानी है, नीचे की तरफ, और हो जाएगी फ्रेंड्स कनेक्शन और कुछ भी नहीं करनी है। और सोल्डरिंग आयरन से हमने जितने भी पार्ट्स को निकाली थी बॉडी को, उसको सब अलग कर लेनी है और इसके संभाल कर रख देनी है, क्योंकि बाद में हम जो वायर्स लगाएं उसमें भी इसको लगानी है, इसको होल्ड करने के लिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सोल्डरिंग आयरन की बॉडी, और जो मैंने नीचे दिखाया, तो ये देखिए ये चीज़ ये है होल्डर, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, वायर्स को पकड़ कर रखते हैं, और ये पुराना वायर्स है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम दूसरे कभी देखेंगे, तब तक के लिए बाय देते हैं इसको। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक हेवी वायर्स ले लिया, आप कोशिश करें हेवी से हेवी वायर्स लेने के। तो मैं यहाँ पर एक वायर्स ले लिया है, तो पहले जितने क्या था उससे उस माप से ही मैंने इसको कट कर लिए हैं, और इसके सामने की तरफ और पीछे की तरफ जो है उसको कट कर लेनी है और छील लेनी है अच्छी तरीके से। तो सामने की तरफ हमारी कट पहले से ही है, और सामने से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वायर्स हमारी घर में पहले भी पैरी हुई थी, मैंने इसको बाहर से कहीं भी परचेस नहीं की, ये घर पे ही हमारी पहले से ही थी, और इसके जितने इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मटेरियल्स, वो पहले से घर में रखी हुई थी। और ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों वायर्स हैं, तो दोनों को सामने की तरफ छील लेते हैं। तो ये दोनों छील दिया हमने, तो अब इसको इसमें कनेक्ट कर देनी है सोल्डरिंग आयरन की, और एक स्विच में कनेक्ट कर देनी है। तो पहले सोल्डरिंग आयरन में कनेक्ट कर देते हैं, फिर स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो ये जल्दी से वो दोनों वायर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है ध्यान से देखिए, जहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है वहाँ पर आपको नीचे की तरफ कनेक्ट करनी है, और अगर आप ऊपर की साइड भी कनेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, सिर्फ आपकी जो लाइट है वो ख़राब हो जाएगी, पूरी जल जाएगी और कुछ नहीं होगी। ऐसे ही ये सोल्डरिंग आयरन काम करते ही रहेगी। तो एक रजिस्टर जहाँ लगी हुई है वहाँ पर मैं इसको मोड़ दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से इसको जॉइंट करनी है, और ध्यान रखनी है कि जरा भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो है वहाँ पर डायोड जो लगी हुई है, देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले दिखाया था, वहाँ के ऊपर के साइड कनेक्ट करनी है, और डायोड के ऊपर इस साइड ही कनेक्ट करनी है, नीचे देखिए फाइबर स्लिप लगे हुए हैं उसके नीचे नहीं लगानी है, ऊपर की साइड ही लगानी है। तो यहाँ तक कि हमारी सारे कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, तो अब इसमें सेलो टेप लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं सेलो टेप ले लिया है, तो इसको आप इसमें लगा देने और अच्छी से लगानी है। और फ्रेंड्स, इसके बदले में आप फाइबर स्लिप का यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स फाइबर स्लिप का आप अगर यूज़ करेंगे तो जलेगी नहीं, ये जल भी सकती है क्योंकि प्लास्टिक है फ्रेंड्स, ये जल सकती है और वो जलेगी नहीं, वो फायर प्रूफ होती है। तो आप कोशिश करें फाइबर स्लिप का यूज़ करें इसमें। तो मैं इस पर सेलो टेप अच्छी तरीके से लगानी है, और बहुत अच्छी तरीके से सफाई से लगानी है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर और कुछ सेलो टेप अलग से लगा दे रहा हूँ मैं फुल, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर कुछ बनाते हैं और उसमें अगर सेफ्टी नहीं होती तो किसी भी काम की नहीं होती फ्रेंड्स। अगर सेफ्टी फर्स्ट होती है सब कुछ में, सेफ्टी अगर उसमें नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, बेकार चीज़ है बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी बनाए पूरी सिक्योर बनाए और बिल्कुल सेफ्टी बनाए उसको, कि किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं इसमें दोनों वायर्स हैं, इसके पहले इसको डायरेक्ट स्विच में कनेक्ट नहीं करके इसकी जो बॉडी मिली थी हमको उसको हम खोल लेंगे, पूरी तरीके से खोल लेनी है, और खोल कर अच्छे तरीके से साफ भी कर लीजिए फ्रेंड्स अंदर से।
और ऐसी तरीके से प्लास्टिक है फ्रेंड्स, आप धो भी सकते हैं या फिर सुखा दीजिए, कोई बात नहीं, प्लास्टिक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये हमको ये तीन चीज़ मिली। तो पहले इसके अंदर हम वायर्स को डालेंगे, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर हम वायर्स को डालेंगे। तो पहले इसके अंदर से वायर्स को निकाल देते हैं। और फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कमेंट पे कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ये बार जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट्स हमारी थी उसको हम इसके अंदर से डाल देते हैं। तो ये लास्ट वाला था उसको भी डाल देते हैं, और इसके जितने भी पहले जैसे लगी हुई थी उसके तरीके से इसको कस देनी है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ को लगा दिया, बिल्कुल पहले की तरह हो चुकी। तो इसको हम सामने की तरफ जो थी सोल यानी कि बॉडी पहले की पार्ट्स की और उसकी तरफ इसको कस देते हैं। तो इसको पूरा अंदर की तरफ दे देनी है, ढकेल देनी है, पूरा अंदर की तरफ रहने चाहिए। और इसमें हमें स्क्रू जो था उसको स्क्रू को इसमें लगा देनी है और टाइट कर देनी है। और दूसरा इसको भी हम इस पर लगा देते हैं। तो ये हमारा कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका। तो अब इसके सामने की तरफ अब आगे काम शुरू करते हैं। तो हमने एक प्लग ले लिए हैं फ्रेंड्स, और एक प्लग आपको 15 से 20 रुपए में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं और उसके बाद में दोनों जो वायर्स आपने देखा उसको इसके अंदर डाल देनी है। और अगर आप इस प्लग की यूज़ ना कर कर किसी दूसरे टाइप के प्लग का यूज़ करना चाहते हैं तो भी वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लें और ऐसे लें जो कुछ दिन टिके। और ऐसी बेकार बहुत सारी क्वालिटी है मार्केट में, तो दिखने में अच्छा लगती है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। तो ऐसी चीज़ में ना जाएं और अच्छे से देख परख के ही सब चीज़ खरीदें। तो आप फटाफट से सॉकेट प्लग में इसको कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर की साइड जो पिन है उसको छोड़ देनी है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। और नीचे के दोनों पिन में आपको दोनों वायर्स कनेक्ट कर देनी है। और इसे प्लग में कनेक्ट करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसे जब खोल के देखोगे तो आप आसानी से कर लेंगे। आप टैलेंटेड बंदा हैं तो आप बहुत बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसे हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब इसकी ऊपर की कवर को लगा देते हैं और इसे 100% वाट कवर हो जाएगा। और ध्यान में रखकर आपको सभी चीज़ को एक एक कर कर लगानी है। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर की कवर लग चुकी। तो अब इसमें नट दे देते हैं और इसे टाइट कर देते हैं। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और ये मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लिया, अब इसको प्लग में डाल देनी है और स्विच को ऑन कर देनी है और 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देनी है। तो अब तक ये पूरी तरीके से हीट हो चुकी है और इसमें देख सकते हैं मैं सोल्डिंग वायर्स को गला रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, यहाँ तक कि पहले से भी बेहतर काम कर रही है ये। तो इससे मैं आप देख लेते हैं कि इसकी सामने की तरफ इसमें करंट आ रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं मैं टच कर रखा है, इस पर करंट नहीं आ रही है। और अगर करंट आती है तो ये शॉर्ट हो चुकी है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी चीज़ को इसमें सोल्डिंग कर दिखाऊँगा। तो पहले इसको मोटर से मैं सोल्डिंग कर देखा देता हूँ। और फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है फ्रेंड्स। आपके पास अगर सोल्डिंग आयरन है तो आप भी इसकी वायर्स को चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसकी वायर्स की कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, कब फट जाए, कब लीक हो जाए, कब कुछ हो जाए, किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसलिए आप दुकान से किसी हेवी वायर्स को ले आए और इसमें लगा दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरीके से हमारी काम कर रही है। और ये रही हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ही बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पर। फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो पर, तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें।